नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली मुख्यमंत्री की शपथ। तेजस्वी यादव फिर बने डिप्टी सीएम। महागठबंधन में जश्न का माहौल। भागलपुर में शिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद थी पुलिस। जुलूस के दौरान हुड़दंगियों ने तोड़ा रेलवे का बैरियर। दो अखाड़ा के बीच हुई मारपीट के बाद पुलिस ने की सख्ती। बिहार पृथ्वी दिवस पर कई जगह हुआ कार्यक्रम का आयोजन। स्कूलों में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने किया पौधारोपण। और करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। तीन बच्चों के सिर से उठ गया पिता का साया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में आए राजनीतिक भूचाल और नीतीश कुमार के एनडीए से खुद को अलग करने की घोषणा के बाद जहां बीजेपी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है, वहीं दूसरी ओर राजद और कांग्रेस समेत महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल फागू चौहान को सौंपने के बाद महागठबंधन के समर्थन से सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया था, जिसके बाद आज बुधवार को राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। बुधवार को बिहार राजभवन में आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल ने दोनों नेताओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के बाद बिहार की उन्नति के लिए शुभकामना और बधाई दी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अपने सहयोगी बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने प्रधानमंत्री समेत भाजपा नेताओं के कई कार्यक्रमों से खुद को अलग रखते दिख रहे थे और आखिरकार उन्होंने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार का फैसला कर लिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इशारों में ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर संकेत दे दिए, जिस पर चर्चाओं का दौर जारी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज स्थित मगनगनिया पंचायत में उत्तरी क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल के आवास पर जदयू एवं राजद कार्यकर्ताओं के साथ गाँव के लोगों ने जश्न मनाया। इस दौरान जदयू एवं राजद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए आपस में खुशियां मनाई और मिठाइयां भी बांटी। इधर जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल ने महागठबंधन सरकार बनने पर कहा कि अब बिहार सरकार महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए कार्य करेगी, जिससे जनता को राहत मिल सके। साथ ही कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। मौके पर मुन्ना जायसवाल सहित महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद थे। देश भर में सामान्य तौर पर मुहर्रम मंगलवार को ही संपन्न हो गया, लेकिन शिया समुदाय के लोगों ने भागलपुर में ताजिया का पहलाम एक दिन बाद यानी बुधवार को किया। ये परंपरा यहाँ काफ़ी सालों से चली आ रही है। बताया जाता है कि शिया और सुन्नी समुदाय के लोगों में आपसी तालमेल को बनाए रखने के लिए यह उपाय किए गए हैं। वहीं शिया समुदाय के लोगों ने असानंदपुर बड़ा इमामबाड़ा से अलम का जुलूस निकाला, जो मुस्लिम हाई स्कूल संपार, दाऊद चक और पंखा टोली होते हुए शाहजंगी करबला पहुंचा। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते हुए शरीर को जंजीरों से मारकर लहू लुहान कर लिया। साथ ही या हुसैन या अली की सदाएं बुलंद की। शिया वक्फ कमेटी के जिला सचिव सैयद जीजा हुसैन ने बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के दीन को बचाने के लिए उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की जो कुर्बानी दी, उसी की याद में हम लोग गम के साथ मुहर्रम मनाते हैं। उन्होंने कहा कि विदाई मजलिस के बाद जुलूस समाप्त हो जाएगा। इधर मुहर्रम की 11वीं तारीख पर असानंदपुर बड़ा इमामबाड़ा से निकाले गए जुलूस में शामिल सैयद रागिब हसन, मोहम्मद इम्तियाज अली, नासिर हुसैन दिलावर और मोहम्मद अली ने बताया कि मुहर्रम गम का महीना है, क्योंकि आज से करीब 1400 साल पहले करबला में इंसाफ की जंग हुई थी और इस जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे, इसलिए आशूरा के दिन का विशेष महत्व है। इधर शांतिपूर्ण मुहर्रम सम्पन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के
पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस के जवान जुलूस के साथ साथ चल रहे थे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस करबला मैदान तक पहुंचाया जा सके। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा वरीय पुलिस पदाधिकारी और जवान भ्रमण करते दिखे, जबकि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली, कार्यकारी संयोजक वर्दी खान, सह संयोजक महबूब आलम, तकी अहमद जावेद, मिंटू कलाकार, जियाउल हक, समाजसेवी विजय यादव, अनिल पासवान समेत शांति समिति के सदस्य जगह जगह प्रशासन का सहयोग करते दिखे। गौरतलब है कि शिया समुदाय के पहलाम के साथ ही भागलपुर का मुहर्रम संपन्न हो गया। अब 40 दिनों के बाद चहलुम होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं शिया समुदाय द्वारा निकाले गए मातमी जुलूस की कुछ झलकियां। चले दुआए फातिमा जहरा दिशा साथ चले अलम के दम से है अब इसका के हयात पाने के, जरे के जे तो हर बात पाने के, जरे मैंने अली असर के तो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो। तते आदर्श है दहन खुले हुए, हाथ सूए आसमान है उठे हुए, हाथ सूए आसमान हसन हुसैन की शहादत पर मनाए जाने वाला मुहर्रम का त्यौहार जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। इस दौरान शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक ताजिया, अखाड़ा और निशान जुलूस निकाला गया, जबकि पहलाम का दौर बुधवार की सुबह तक जारी रहा। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी भागलपुर में कुछ हुड़दंगियों ने जुलूस में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सक्रियता ने हुड़दंगियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात्रि मुस्लिम हाईस्कूल संपार पर ट्रेन को पास कराने के लिए रेलवे बैरियर क्रॉसिंग को गिराया गया था, लेकिन कुछ लोग अखाड़ा शाहजंगी ले जाने के लिए फाटक जल्द खोलने को कह रहे थे, जबकि ट्रेन आने जाने के समय को देखते हुए कर्मी ने बैरियर गिरा दिया था। जानकारी के अनुसार रात्रि करीब 3 बजे बैरियर गिराने के बाद काफ़ी संख्या में लोग उस पर बैठ गए, जिस कारण एक तरफ का बैरियर टूट गया और संपार की दोनों तरफ अखाड़ा जुलूस की कतार लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही सदर एसडीओ धनंजय कुमार, एएसपी शुभम आर्य और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंचकर पहले तो लोगों को रेलवे पटरी से दूर किया, इसके बाद पूर्व और पश्चिम दिशा से आ रही ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे के अधिकारियों से बात की, लेकिन तब तक ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। आनन फानन में पुलिस के जवानों और शांति समिति के सदस्यों ने लोगों को रेलवे ट्रैक से हटाकर ट्रेन को पार कराया, इसके बाद तेजी से अधिकारियों की मौजूदगी में सभी अखाड़ा जुलूस को पार कराया गया। वहीं एक मुसीबत समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ दो अखाड़ा के बीच सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के मंच के ठीक सामने सुबह करीब 5 बजे विवाद शुरू हो गया। विवाद सुलझाने के लिए कमेटी के पदाधिकारियों ने खूब माइकिंग की, लेकिन दोनों अखाड़ा के खलीफा और जुलूस में शामिल लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वहीं स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर एक अखाड़ा पीछे हटा और दूसरे को पहलाम के लिए शाहजंगी की ओर बढ़ाया गया। जानकारी के अनुसार पूरब से आ रहे लालू चक के अखाड़ा में शामिल कुछ युवा पश्चिम से आ रहे चंपानगर के अखाड़े में सिप्पल लेकर चले गए, जिसको लेकर मारपीट हो गई। हालांकि समय रहते पुलिस पदाधिकारी और जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। Thank you.
अवसर पर बुधवार को भागलपुर के सनहोला प्रखंड अंतर्गत आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय आरआर समेत कई विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह, सनहोला के पूर्वी क्षेत्र जिला परिषद सदस्य रामानंद कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे समेत स्कूल के छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद सभी छात्रों को बिहार पृथ्वी दिवस पर विभाग द्वारा जारी 11 संकल्प ग्रहण करवाया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक वृक्ष लगाने, आसपास के जल स्रोत को दूषित नहीं करने, बेवजह जल बर्बाद नहीं करने, जल संचय एवं संरक्षण के प्रति परिवार और पड़ोसियों को जागरूक करने और बिजली का दुरुपयोग नहीं करने के अलावा दूसरों को भी घर, विद्यालय एवं आस पड़ोस के परिसर को साफ रखने पर जोर दिया गया। साथ ही सिंगल यूज पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और कपड़े की थैला का उपयोग करने की बात कही गई। मौके पर आरआर पंचायत के मुखिया कृष्णानंद सागर, उप मुखिया अब्दुल्ला, शिक्षक पवन कुमार, शिक्षिका रेखा कुमारी और रेशमा परवीन समेत कई लोग पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिए। वहीं इसके अलावा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेश्वर पांडे ने आरआर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय और आदर्श कलाधर मध्य विद्यालय का निरीक्षण भी किया। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर अमखोरिया में करंट की चपेट में आने से स्वर्गीय सौदागर प्रसाद सिंह के 32 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सजौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक चंदन अपने खेत पर काम करने के लिए गया था, तभी अचानक बिजली का तार टूट कर गिर गया, जिससे करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के संबंध में मृतक की पत्नी खुशबू कुमारी ने बताया कि उसके पति चंदन कुमार सिंह दोपहर के 2 बजे खेत पर काम करने जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन कुछ घंटे बाद उसे चंदन कुमार सिंह के बिजली के करंट लगने से मौत की खबर मिली। साथ ही खुशबू कुमारी ने कहा कि उसकी छोटी छोटी 2 पुत्री और सबसे छोटा 3 साल का एक पुत्र है, जिसका भरण पोषण चंदन मजदूरी कर करता था। हालांकि फिलहाल सजौर पुलिस मामले में यूडी केस दर्ज कर छानबीन में जुट गई है, जबकि घर वालों का इस घटना से बुरा हाल है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जल जीवन हरियाली को लेकर बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर बुधवार को नाथनगर स्थित एसएस गर्ल्स हाई स्कूल में विद्यालय परिवार की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 50 पौधा लगाया गया। वहीं पृथ्वी दिवस को लेकर विद्यालय के प्राचार्य माधुरी कुमारी ने पृथ्वी को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए सभी छात्राओं को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि धरती को संरक्षित नहीं करेंगे तो मनुष्य और जीव जंतु संसार में नहीं रह पाएंगे। मौके पर विद्यालय के शिक्षक त्रिपुरारी कुमार समेत कई शिक्षक, शिक्षिका और
छात्राएं मौजूद रही। नवगछिया के खरीक प्रखंड अंतर्गत एक गांव में पत्नी और पुत्री के साथ बुरी तरह से मारपीट करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को नवगछिया न्यायालय की एक अदालत ने 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 345B, 323 और 341 के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा का ऐलान किया। इसको लेकर अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में सभी धाराओं में सजा साथ साथ चलने की बात कही। पति ने पत्नी और पुत्री को बुरी तरह से प्रताड़ित करते हुए विनंगन करके मारपीट किया। मारपीट के आलोक में 354B में 3 साल का सजा और 323, 341 में 1-1 माह का सजा सुनाया गया है। किनको? ललित जोगिंदर मंडल जो अभियुक्त थे, ललिता देवी के पति और पूनम कुमारी के पिता, उनको यह सजा सुनाई गई। बिहार के कटिहार बरारी विधानसभा के पूर्व राजद विधायक नीरज कुमार ने बुधवार को बिहार में महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण के बाद नवगछिया के मकनपुर चौक स्थित एक विवाह भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन ने एक बार फिर से बिहार में मजबूत सरकार को बनाई है, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण कर लिया है। पूर्व विधायक ने कहा कि अब महागठबंधन के साथी मिलकर बिहार में भ्रष्टाचारियों और घुसखोरों का सफाया करेंगे, जिससे पूर्व में भ्रष्टाचार में शामिल सभी लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सभी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और यह समाजवादियों की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण आगे भी लागू रहेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार विकास का मुख्य मुद्दा होगा। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी और 2024 में केंद्र की भाजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा भी किया। मौके पर राजद जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान, गौरी शंकर यादव, तनवीर अहमद, हिमांशु यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। 13 करोड़ जनता बिहार की यही चाहती है। जिस तरह से लगातार समाजवादी आपस में बटे हुए थे, कभी नीतीश जी अपने नाम पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वोटों का बंटवारा हो रहा था। हमारा विशाल जन समर्थन, हमारे ही वोट से भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है और बिहार के साथ अन्याय कर रही है। उसका हिसाब लेने का समय आ गया है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आपस में मिलना, ये सिर्फ बिहार नहीं है, ये पूरा देश में एक संदेश गया है। और इस विपरीत परिस्थिति में जब लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चरम पर है, CBI ED के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को पूरे देश में जिस तरह से डिमोरलाइज किया जा रहा है, नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, हमको लगता है नीतीश कुमार ने साहस दिखाया और तेजस्वी यादव ने अपना त्याग दिखाया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली मुख्यमंत्री की शपथ, तेजस्वी यादव फिर बने डिप्टी CM, महागठबंधन में जश्न का माहौल। भागलपुर में शिया समुदाय ने निकाला मातमी जुलूस, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद थी पुलिस। जुलूस के दौरान हुड़दंगियों ने तोड़ा रेलवे का बैरियर, 2 अखाड़ा के बीच हुई मारपीट के बाद पुलिस ने की सख्ती। बिहार पृथ्वी दिवस पर कई जगह हुआ कार्यक्रम का आयोजन, स्कूलों में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने किया पौधारोपण। और करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, 3 बच्चों के सिर से उठ गया पिता का साया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।